कोई हुकूमत के खिलाफ केस एक जज सुन रहा हो, एग्जीक्यूटिव चाहे उसको सिब्बी में जाके लगा दे, इज दिस स्टिल बीइंग वर्क्ड अपॉन राइट नाउ? व्हाट इज योर टेक ऑन इट? मैं समझता हूँ कि ये इख्तियार इस एग्जीक्यूटिव के पास नहीं होना चाहिए. जिस तरमीम पे मैं मौलाना फजल रहमान साहब के साथ काम इंशाल्लाह ताला जल्द शुरू हो जाएगा, हमारा जो ड्राफ्ट है या डॉक्यूमेंट है या इनपुट है, दैट इज कन्फाइंड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एंड द जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस. आई डोंट हैव द कॉन्फिडेंस दैट मंसूर अली शाह साहब विल बी एबल टू कंट्रोल द अदर जजेस on his Supreme Court. 25 अक्टूबर जरूरी ना मजबूरी, हुकूमत चाहेगी आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से पहले हो. मौलाना फजल रहमान के साथ इत्तेफाक राय चाहता हूँ. हम नहीं चाहेंगे आईनी तरमीम के लिए अरकान की खरीदो फरोख्त की जाए. तहरीक इंसाफ वाले आईनी तरमीम को मुतनाज़े बनाना चाहते हैं. जुडिशल रिफॉर्म से आवाम को फौरी इंसाफ मिलेगा. जस्टिस मंसूर अली पर एतमाद नहीं कि वो सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जजेस को कंट्रोल कर सकेंगे. हाई कोर्ट के जजेस के तबादलों का इख्तियार एग्जीक्यूटिव के पास नहीं होना चाहिए. पीपल्स पार्टी ने अपने मुसविदे में इस नौयत की कोई तजवीज़ नहीं दी. पीटीआई की कोशिश है कि अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट को मुतनासे बनाया जाए. तहरीक इंसाफ का मिशन पाकिस्तान को फेल करना है. तहरीक इंसाफ वाले चाहते हैं कि मुल्क ना चले, महंगाई कम हो रही है, हमें हुकूमत की पॉलिसी की तारीफ करनी चाहिए. मुझे वजीर आजम बनाने की मुतअद्दिद बार पेशकश हो चुकी. पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू. Is it true कि आपको प्राइम मिनिस्टरशिप प्रॉमिस की गई है? If you push this through and help in? नहीं, मुझे प्राइम मिनिस्टरशिप, मेरे साथ प्राइम मिनिस्टरशिप के बाद बहुत दफ़े हुए हैं, लेकिन किसी इस कॉन्टेक्स्ट में कभी बात नहीं. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास बहुत से ऐसे ऑप्शंस मौजूद थे हुकूमत साजी के वक्त कि हम जैसे ये फार्मूलाज बनाते रहे हैं माजी में कि दो साल किसी का और 9 साल किसी और का, लेकिन हमने अपने तरफ से इस प्रपोजल को ना तब माना और ना हम आज इसको परस्यू कर रहे हैं. दिस इज अ रेप्लिका ऑफ दैट गोरी टेल, वो जो 2014 की थी. ये जो धरने अब दिए जा रहे हैं और रोज़ इस्लामाबाद पर चढ़ाई हो रही है, मैं समझता हूँ कि ये मज़मूम इरादे हैं, नापाक का वो अजायम है जो पाकिस्तान को. अब ये क्यों हो रहा है? ये जो एक जत्था है उसको ये मंजूर नहीं कि पाकिस्तान तरक्की करे. वो इसमें बिल्कुल लोट पोट है कि भाई अगर इकॉनमी संभल गई, मईशत अगर पाँव पे खड़ी हो गई तो फिर हमें कौन पूछेगा. वफाक पर दिन रात चढ़ाई और धमकियां दी जा रही हैं. जो कुछ 2014 में हुआ वही अब दोहराया जा रहा है. धरने की साजिश दोबारा नहीं होने देंगे. फसादी होश के नाहुन ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई के मज़मूम और नापाक अजाइम हैं. एक जत्थे को पाकिस्तान की तरक्की मंजूर नहीं. इन्हें फिक्र है कि मईशत पांव पर खड़ी हो गई तो हमें कौन पूछेगा. जहाँ धरने होंगे वहाँ कौन सरमायाकारी करेगा. दुश्मन पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहता है. कराची में चीनी इंजीनियर्स पर हमला अफसोसनाक और शर्मनाक है. चीनी और पाकिस्तानी अवाम अफसरदा हैं. दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमारा हौसला पहले से ज़्यादा मजबूत है. मामलात को यहीं नहीं छोड़ेंगे. सिक्योरिटी को फूल प्रूफ बनाएंगे. चीनी सफ़ीर को यकीन दिलाया कि SCO के लिए जाम इंतजाम किए. वज़ीर आज़म का काबीना इजलास से खिताब. फेडरल गवर्नमेंट को वार्निंग दे रहा हूं कि अगर तुमने इस आईजी इस्लामाबाद को ना हटाया तो अगली दफा इस आईजी को हटवाने के लिए हम तुम्हारे पे दावा बोलेंगे. किसने? वज़ीरे आला की सरकारी गाड़ी में तोड़ा, अली अमीन का नहीं तोड़ा. ये सुबह का वज़ीरे आला है इस वक्त. इसने सुबह भी हमला किया है. अगर ये इफाक सुबह भी हमला करने वाले को रखती है, मतलब है कि ये हमला इफाक ने किया है हमारे ऊपर. जो भी हमें मुनाफिक है अपनी पार्टी के साथ, नजरिए के साथ, इमरान खान के साथ, मैं बरमला कह रहा हूँ ये अल्लाह के नाम कलमे लिखे हुए हैं यहाँ पर. अल्लाह का कलाम है. अल्लाह ताला उसके खानदान को कर करे. अली अमीन गंडापुर की विफाकी हुकूमत को आईजी इस्लामाबाद को हटाने के लिए वार्निंग. आईजी को ना हटाया तो इस्लामाबाद पर धावा बोलेंगे.
अली अमीन गंडापुर की धमकी, आईजी ने सूबे के वजीर आला पर हमला किया है, ऐसा सलूक किया गया जैसे हम दहशतगर्द हों। केपी हाउस में पुलिस और रेंजर्स ने धावा बोला। केपी हाउस में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के अहलकारों और कारकुनान पर तशद्दुद किया गया। खैबर पख्तूनख्वा हाउस से निकलकर अकब में मौजूद चौकी में 4 घंटे छुपा रहा। केपी हाउस से निकला तो मेरे पास मोबाइल था और ना ही जेब में पैसे। जो भी बानी पीटीआई से मुनाफिकत करेगा अल्लाह ताला उसके ख़ानदान को गर्क करे। बानी पीटीआई ने कहा कि फ़ौज से लड़ाई है ना फौज मुखालिफ एजेंडा, गिरती हुई दीवार को एक और धक्का हम देंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का केपी असेंबली में इजहार ख्याल। अली अमीन की फ्लॉप स्टोरी पर उसके अपने लोग यकीन नहीं कर रहे। गैंग ऑफ कालाचोर का चेला पार्टी कारकुनों में मजलूम बच्चा बनने की नाकाम कोशिश कर रहा है। नवाज शरीफ के बुग़्ज में जलते आपका लीडर अडयाला जेल में पहुंच गया है। आप लोग कुएं के मेंढक हैं, उसे बाहर नहीं निकलना चाहते। हर हफ्ते पंजाब और वफाक पर चढ़ाई करने की बजाय अपने सूबे की आवाम पर रहम खाएँ। अगर सूबा चलाने के काबिल नहीं है तो पख्तूनख्वा की जान छोड़ दें। वज़ीर इत्तला'आत पंजाब अजमा बुखारी के अली अमीन गंडापुर पर तनकीदी वार। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली उखाड़े में तब्दील, ऐवान में शदीद हंगामा, हुकूमती और अपोजिशन अरकान आपस में लड़ पड़े, हाथापाई और गुत्थम गुत्था हो गए। अरकान ने एक दूसरे पर मुक्के और लातें बरसा दीं। झगड़ा पीटीआई के नेक मोहम्मद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के इकबाल वजीर में हुआ। दोनों अरकान के हामी भी लड़ाई में कूद पड़े। असेंबली के सिक्योरिटी इंसाफ ने 2 अफराद को गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले कर दिया। गिरफ्तार अफराद में इकबाल वजीर का भतीजा और एक रिश्तेदार भी शामिल। अली अमीन गंडापुर को बोलने का वक्त दिया गया। हमें क्यों नहीं, ओपोजिशन का ऐवान में शोर शराबा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अजलास, फ़लस्तीन और लिबनान के लिए वज़ीर आज़म रिलीफ फंड कायम करने की मंजूरी, माहीगिरी के शोबे में सब्सिडीज़ के माहदे की तौसीक, गवादर और शंघाई बंदरगाहों को सिस्टर पोर्ट की हैसियत देने के माहदे की मंजूरी, शहबाज शरीफ की ई ऑफिस के नफाज में मज़ीद बेहतरी लाने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत गज़ा और फ़लस्तीन में इमदादी सामान भेजने की पेशरफ्त पर अजलास। फ़लस्तीनी भाइयों की मदद के लिए हमें बहैसियत कौम मुतहरिक होना पड़ेगा। गजा से ज़्यादा तलबा को पाकिस्तान में तालीमी सहूलियात फराहम की जाएँ, वज़ीर आज़म की हिदायत। एक दिन एहतजाज से 190 अरब रुपये का नुकसान होता है। हड़ताल या एहतजाज अगर एक हफ्ते चले तो मईशत को कितना नुकसान होगा। एक दिन एहतजाज से जब शहर बंद होता है तो मईशत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। एहतजाज करने वालों को सोचना चाहिए। एहतजाज से सिर्फ इस्लामाबाद में 8 लाख लोग मुतासर हुए। हम बड़ी मेहनत से मुल्क में मौशी इस्तेहकाम लेकर आए, मईशत इस्तेहकाम के रास्ते पर चल पड़ी। इस वक्त हम एहतजाज अफोर्ड नहीं कर सकते। मौशी इस्तेहकाम के सम्राट आने शुरू हो गए हैं। आने वाले दिनों में शरह सूद में मजीद कमी आएगी, महंगाई में मजीद कमी होगी। अगले साल महंगाई की शरह 6% पर आ जाएगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की खसूसी गुफ्तगू। शंघाई तावुन तंजीम के सरबराही इजलास की तैयारियों और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। वजीर दाखला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत CDA में अहम इजलास। मोहसिन नकवी की रेड जोन बिलखसूस VVIP रूट्स की ब्यूटिफिकेशन यकीनी बनाने की हिदायत। जिन्हा कन्वेंशन सेंटर की तजीना आरइश की फर्निशिंग का काम जल्द मुकम्मल करने का टास्क। अहम शाहराहों के अतराफ दीदा जेब सजावट की जाए। शहर भर को खूबसूरत फूलों और फैंसी लाइट से सजाया जाए, वजीर दाखिला की हिदायत। डी चौक का एहतजाज काफ़ी कामयाब रहा। अली अमीन गंडापुर ने असेंबली में अपनी पोजीशन वाजे की। केपी हाउस को सील किया गया, ये सूबे के अवाम की बेइज्जती है। आइनी तरामी में जो चीज़ें हो रही हैं वो नाकाबिले कबूल हैं। एक टोला आइन की पस पुश रख कर ऐसे इकदाम कर रहा है, शिबली फराज की मीडिया टॉक। एक सूबे के मुंतखब वज़ीर आला की तस्दीक की गई। केपी हाउस पर हमला आइन पर हमला है। बुनियादी आइनी हकूक को ख़त्म करने की तरमीम लाई जा रही है। हम अपनी आइनी जंग हर फॉरम पर जारी रखेंगे, असद कैसर की गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ का एहतजाजी हिकमत अमली तब्दील करने का फैसला। PTI बड़े शहरों की बजाय ज़िले सतह पर एहतजाज करेगी। PTI रहनुमा असद कैसर ने नई हिकमत अमली की तस्दीक कर दी।
पानी पीटीआई अली अमीन गड्डापुर आजम सवाती पर एक और दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। एफआईआर में 2000 से 2500 नामालूम कारकुनान भी नामजद। कार्य सरकार में मुदाखलत, अखवाए खाम कत्ल, सरकारी असलहा छीनने समेत दीगर दफात शामिल। वफाकी पुलिस के पीटीआई क़यादत और कारकुनान के खिलाफ मुकदमात की तादाद 21 हो गई। मुकदमात 2 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक दर्ज किए गए। थाना कोहसार 4, सेक्रेटेरिएट 3, थाना नून और आपारा में 2-2 मुकदमा दर्ज। मारगिला, I9 और कराची कंपनी में 1-1 FIR का इंदराज। पुलिस और ज़िले इंतजामिया ने रिपोर्ट वजारत दाखिला में जमा करवा दी। वफाक एवान हाई सनअत व तिजारत के 12वें एक्सीलेंस अवार्ड की तकरीब का इनेकाद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की शिरकत, मुख्तलिफ शोबाजात में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाली शख्सियात को अवार्ड दिए गए। तालीम के मैदान में अहम खिदमात के एतराफ़ पर पंजाब ग्रुप को बेस्ट एजुकेशनल नेटवर्क ऑफ द कंट्री का अवार्ड दिया गया। CEO पंजाब ग्रुप मियाँ आमिर महमूद ने अवार्ड वसूल किया। Award the best educational network of the country being presented to the Punjab Group. May we request Mr. Mian Amir Mahmood, the Chief Executive Officer, to please accept this. हुकूमत के साथ मिलकर माशी इस्तेहकाम के लिए कोशिश कर रहे हैं। ऐसी सनतों की ज़रूरत है जो हमारे लोगों को खुशहाल करें। मुल्क में सस्ती तवानाई के हुसूल के लिए तवज्जो दी जा रही है। बिजली की कीमतों में कमी के लिए लाहे अमल बनाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का FPCCI की तकरीब से खिताब। गुज़श्ता एक साल में मईशत बेहतर हो रही है। पाकिस्तान 2.5 साल की मुश्किल के बाद दोबारा पटरी पर चल पड़ा। मुस्बत माशी आशारी आना शुरू हो गए हैं। ख्वाब है कि पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बने। साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज का तकरीब से खिताब। ख्वातीन की विरासती जायदादों को तहफ्फुज़ मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का बहनों को जायदाद में हिस्सा देने से मुतालिक अहम फैसला जारी। फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइजुसा ने तहरीर किया। बदकिस्मती से ख्वातीन को शरई विरासती हक से महरूम रखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अदालत ने बेबुनियाद मुकदमाबाजी पर दरख्वास्त गुजार को 5 लाख रुपये जुर्माना कर दिया। जुर्माने की रकम विरासती जायदाद से महरूम रखी गई बहनों को अदा करने का हुक्म।